नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि हम कोई भी वीडियो डालते हैं या कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, लगभग दोस्तों 70 से 80% यही कमेंट दोस्तों देखने को मिल रहे हैं बार बार। ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा? हाईकोर्ट LDC का एग्ज़ाम कब होगा? और दोस्तों, कॉमेंट आना लाजमी भी है। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप डी की भर्ती है वो काफ़ी लंबा समय ले चुकी है। समय 2 साल से भी ज़्यादा का समय दोस्तों ग्रुप डी को हो गया है, अभी तक एग्ज़ाम डेट का अता पता नहीं है। दूसरा LDC का एग्ज़ाम, ये भी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो कमेंट आना दोस्तों लाजमी है और इस बात को मैं भली भांति समझ सकता हूँ। तो आज इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अब कोरोना तो ख़त्म हो चुका है, बहुत कम केसेस आ रहे हैं, तो अब क्या स्थितियाँ बनती है, कब एग्ज़ाम हो सकता है, और एक फॉर्म रीओपन को लेकर भी मैं बात करूँगा तो इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला आप सभी के लिए, तो इसे लाइक कर दें सबसे पहले, तो दोस्तों शेयर कर दें जिससे सभी बच्चों तक ये पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दोस्तों प्रेस करें जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो चाहे वो स्टडी के रिलेटेड हो, उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करूँगा फॉरम रीओपन की। मैंने अभी मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैंने दोस्तों बातचीत की है हाईकोर्ट के रिलेटेड बंदों से जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और साथ में कुछ ऐसे टीचर से मैंने की है। तो जब मुझे पता चला तो उसके बाद मैं आप सभी को थोड़ा इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हो सकता है 50-50 चांस है यहाँ पर दोस्तों। देखो, ग्रुप डी को नहीं छोड़कर, छोड़ दो एक बार, LDC का जो फॉर्म है दोस्तों वो तो रीओपन होगा ही होगा। हाईकोर्ट LDC का जो फॉर्म है उनका दोस्तों रीओपन होगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ग्रुप डी का फॉर्म रीओपन होगा ये नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा संशय मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों हो सकता है कि 60%, 60 से 70% मैं ये कह सकता हूँ कि इसका फॉर्म रीओपन शायद ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेनो का जो एग्ज़ाम था ना, मैंने बातचीत की तो उसमें मुझे निष्कर्ष मैंने निकाला कि भी जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम था उसमें भी बातें चल रही थी कि फॉर्म रीओपन होगा, उसमें हाईकोर्ट ने कोई फॉर्म रीओपन नहीं करा, सीधा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया। एक बात तो ये, दूसरी बात दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है ना, काफ़ी महीने साल हो गए इसको, 2 साल के करीबन इस एग्ज़ाम को हो गए, तो इस वजह से दोस्तों इसके अंदर ये नियम लागू होगा मुझे नहीं लगता। कहीं ना कहीं ग्रुप डी का फॉर्म रीओपन होगा, बहुत कम चांस मुझे लग रहे हैं। हो सकता है दोस्तों वो 30-40% हो सकता है, लेकिन 60 से 70% मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के जो फॉर्म रीओपन नहीं होगा, शायद हाईकोर्ट है नहीं चाहेगी इस एग्ज़ाम का, क्योंकि ये बहुत पुरानी भर्ती है, और जो अब लेटेस्ट जो भर्तियां हैं ना उनके ऊपर वो रूल दोस्तों लागू होगा। जैसे कि LDC हाईकोर्ट की ये तो नई भर्ती है, तो इस पे तो 100% ये रूल दोस्तों लागू होगा। तो ग्रुप डी के ऊपर दोस्तों थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैंने 2 दिनों से मैं बातचीत कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ये नई बातें देखने को मिली। तो अगर ग्रुप डी का फॉर्म रीओपन नहीं होता, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन चांस ज़्यादा है नहीं होगा। अब दोस्तों जो फॉर्म रीओपन नहीं होगा तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है एग्ज़ाम की, क्योंकि LDC का तो फॉर्म रीओपन हो गई तो 100% श्योर है दोस्तों। देखो, तो जून के अंदर कोई एग्जाम नहीं होगा ग्रुप डी का, न ही जुलाई में होगा, इन 2 महीनों में दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि कोरोना भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, पूरा बोर्ड भी ओपन हो जाएगा, जो 50% जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाते हैं ऑफिस के अंदर वो भी कंप्लीट धीरे धीरे सही सारे 100% जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम होने की जो संभावना रहेगी ना, वो रहेगी अगस्त के अंदर। अब 15 अगस्त के बाद दोस्तों ये एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी दोस्तों ग्रुप डी की है हाईकोर्ट की तरफ से। 1 महीने पहले आपका इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यानी जुलाई के अंदर दोस्तों हमें इसकी इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगी दोस्तों कि भी अगस्त में इसका एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं हाईकोर्ट LDC की, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम दोस्तों पहले होगा हाईकोर्ट LDC से। अब ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा उसके 2 महीने बाद दोस्तों, 2 महीने बाद आपका LDC एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। हो सकता है कि 1 महीने बाद हो जाए, दूसरे महीने में हो जाए, यानी आपका जो एग्जाम अगर अगस्त में ग्रुप डी का हो जाता है तो सितंबर या अक्टूबर और नवंबर के, ये अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने हैं दोस्तों, इन 2 महीनों में आपका LDC एग्जाम भी कंडक्ट हाईकोर्ट के द्वारा दोस्तों ले लिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी दोस्तों निराश नहीं होना है, क्योंकि ग्रुप डी के जो बच्चे काफ़ी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, कभी कोरोना आ जाता है तो कभी कुछ, मतलब स्थितियाँ सही नहीं थी, इसी वजह से इतना डिले दोस्तों हो चुका है, और कुछ कमियां भी थी सरकार की। लेकिन अब दोस्तों ये एग्ज़ाम
अगस्त में होने की पूरी संभावना दोस्तों रहेगी, क्योंकि अब कोरोना भी नहीं है और कोई बड़ा इशू भी दोस्तों साथ में नहीं है। और एलडीसी का तो बाद में दोस्तों होगा, पहले ग्रुप डी का हो जाए तो एलडीसी की संभावनाएं और तेज हो जाएंगी। रीट का एग्जाम मैंने बताई दी आपको, सितंबर के महीने में 100% हो जाएगा, वरना अक्टूबर में तो 200% होगा रीट का एग्जाम, कोई नहीं रोक सकता है। तो देखते हैं कब क्या इन्फॉर्मेशन आती है, अगर कोई अपडेट आता है हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर तो तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, और बेल आइकन बटन है उसको आप प्रेस कीजिएगा, जिससे कि तुरंत प्रभाव से वीडियो आपको मिल जाए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, शनिवार और रविवार, ऐसे आज शनिवार तो आप टेस्ट देना, आपकी तैयारी कितनी है देख करें। यूट्यूब पर भी लगातार मैं क्लासें ले रहा हूँ, तो लगातार जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों होगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।